एक व्यक्ति था, उसके गुरु एक सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनियादारी से ऊब सा गया था। वह अपने गुरु की तरह ही दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई तो सभी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमें छोड़कर चले गए तो हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे। फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई, परंतु साथ ही कहा कि उनका घर परिवार, बच्चे और पत्नी उसे संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझसे बेहद प्यार करते हैं। गुरु ने कहा, यह किसी सूरत में प्यार नहीं है। गुरु ने उसे बहुत समझाया पर वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरुजी उस व्यक्ति को मठ में ले गए। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई, जिससे वह अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। ये सब सिखाने के बाद गुरु ने उसे एक योजना बताई और उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए, सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वही उसकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था, सभी की आंखें नम थीं। वह व्यक्ति मुर्दा अवस्था में था, मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है। अंततः उसने संन्यास लेने का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा। कुछ देर शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस शव में जान फूंका जा सकता है, इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूं। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप ये काम जल्द से जल्द करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है, इस कार्य को करने के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपना प्राण त्यागना होगा। ये सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह गई। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों को एक एक कर पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपने आप को जिंदा रखने की वजह बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति की पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी। उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इनके बगैर भी जी लूंगी। गुरु ने उस व्यक्ति के बच्चों से भी यही सवाल किया, उनका भी जवाब न ही था। फिर यही सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया, उनका भी जवाब एक ही था। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के शव के पास आए और बोले, तुम उठ खड़े हो जाओ। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहां से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसकी जरूरत उसके घर में कितनी है। अब वह एक पल भी अपने घर में रहना नहीं चाहता था और वह व्यक्ति अपने गुरु के साथ वहां से चला जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपके होने न होने से किसी पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।